पितरू। जिलाधीश संयम अग्रवाल की ओर से सैरगाह नेचर ट्रेल का उद्घाटन करके उसे लोकार्पण किया गया, जिनके साथ साथ एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना, डीएफओ संजीव तिवारी व स्वामी दिव्यानंद ने शिरकत की और इस सैरगाह को लोकार्पण करते हुए अपने शब्द रखते हुए कहा। पठानकोट जिले आज नेचर ट्रेल का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फॉरेस्ट विभाग वालों किया गया है। 7 किलोमीटर की ट्रेल हैगी और मैं समझता है कि यह लोगों को प्रकृति नाल जोड़न का बहुत चंगा तरीका हैगा। इतने नहर के कंडे तो हैगी, हरियाली के विचकार हैगी है, तो शामी या सवेरे जदों भी इतने मूल निवासी आते हैं तो वो यदा काफ़ी चंगा फायदा उठा सकते हैं। फिटनेस वास्ते भी अब इस चीज़ का सदुपयोग किया जा सकता है। अभी भी इतने इंश्योर करांगे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पूरी बनी रहे। तो मैं यही कहूँगा पठानकोट वासियों को कि इस तरह की होर भी उपराले फॉरेस्ट विभाग के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों किए जा रहे हैं, तो वध चढ़ के वे हिस्सा लैन। मैं जिला प्रशासन और शाहपुरकंडी के महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके सहयोग से हमने 7 किलोमीटर का नेचर ट्रेल का आज इनॉग्रेशन किया। ये पहले भी कुछ बना था, इसको हमने यहाँ तक सुजानपुर तक एक्सटेंड किया है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को एक अच्छा जगह मिले। आपने पठानकोट में पहले देखा होगा कोई जगह नहीं मिलती थी जिससे सैर कर सकते, लोग वॉक कर सकते हैं। ये 7 किलोमीटर का ट्रैक वन साइड है, 14 किलोमीटर का जो भी वाइल्ड लाइफ और नेचर के एंथुसियास्ट हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। और काफ़ी अच्छा इसमें हमने प्लांटेशन दोनों साइड प्लांटेशन करा के और ट्रैक बना दिया है। बैठने के लिए जगह जगह हमने बेंचेज लगवा दिए हैं, साइन बोर्ड्स लगवा दिया है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पठानकोट को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी दे सकें। इसके इस प्रोजेक्ट के अलावा हमने दो और प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किया है। डलहौजी रोड पर आपने देखा होगा नेचर पार्क बनाया है, वहाँ पर भी काफ़ी पहले जो एनक्रोचमेंट था और डंपिंग ग्राउंड था वो साफ़ करके एक नेचर पार्क बनाया, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा हम एक और प्रोजेक्ट इस साल कर रहे हैं, लास्ट टाइम किया था उसको और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। अपने मलिकपुर से जो UBDC का किनारा है, मलिकपुर से लेकर सुजानपुर तक हमने वहाँ पे भी 7 किलोमीटर का नेचर ट्रैक ऑलरेडी बना दिया है। और इस साल हम मलिकपुर से लेकर सरना तक जो UBDC है उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए सारे काम अभी हम प्रोसेस में, अभी बहुत ही जल्दी वो काम हमारा समाप्त भी हो जाएगा और ये लोगों के लिए वरदान होगा। इसके अलावा जो हम शहर की ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, आपने देखा जैसे ये रोड है टैंक चौक से सुजानपुर रोड है, इस दोनों रोड्स के किनारे हमने एवेन्यू प्लांट्स लगाए हैं ताकि अच्छा लगे और उसका एक नेचर ब्यूटी है वो खिल के सामने आए। ज़िला पठानकोट विच नेचर ट्रेल नू शुरू किया जा रहा है। यह लगभग 7 किलोमीटर की ट्रेल बिल्कुल जिहड़ा साडा किनार है वो कंडे चलती है, तो लोगों नू इत्थे अपने आप नू फिट करन वास्ते यह बहुत कारगर सिद्ध होएगी। इत्थे लोग सवेरे शाम नू इत्थे आके अपना मॉर्निंग वॉक ईवनिंग वॉक वास्ते आ सकते हैं, तो असी इनू होर हौली हौली होर इनू वधिया करते जाएंगे जिस तरह टाइम समय के नाल। तो इस तरह असी होर भी कई ट्रेल्स वन विभाग के नाल मिलके ज़िले के विच तैयार कर रहे हैं, तो उम्मीद है वह भी सारी जल्दी ही लोगों वास्ते खुल जाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। आज वन विभाग पठानकोट की तरफ से इस सुजानपुर रावी दरिया के किनारे और आज पौधा हमने लगाया है और ये 7 किलोमीटर के एरिए में और अपने हमारे DC साहब और हमारे SSP साहब और DFO साहब और हम सब ने मिलकर इसकी सुंदरता के लिए और भव्यता के लिए, दिव्यता के लिए, ताकि लोग आएं और इस जगह पर वॉक करें और उनको शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध हवा मिले, क्योंकि शुद्ध वातावरण मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी और ठीक रहेगा। तो मेरा सबके आगे निवेदन है कि ज़्यादा नहीं तो एक पौधा, एक बूटा ज़रूर लगाएं अपनी सेहत के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।